खरगोन जिला दशहरा नागर महिला मंडल का शपथ विधि और हल्दी कुमकुम कार्यक्रम दशहरा धर्मशाला खरगोन में संपन्न हुआ। इस अवसर पर खरगोन जिले के सभी गांव से आई हुई महिलाएं उपस्थित थी। कार्यक्रम के प्रारंभ में भगवान हाटकेश्वर का पूजन अर्चन पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष संजय गुप्ता, खरगोन जिला अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण गुप्ता, हाटकेश्वर दर्पण के संपादक जयंत गुप्ता, जिला सचिव रवि गुप्ता एवं विजय गुप्ता द्वारा किया गया। स्वागत सत्कार के बाद शपथ विधि कार्यक्रम रखा गया, जिसमें जिला अध्यक्ष ममता सुगंधी द्वारा अपने उद्बोधन में बताया गया कि जिले में बालिका सशक्तिकरण, स्वास्थ्य, सिलाई कढ़ाई बुनाई और कंप्यूटर जैसे कार्य को समाज के बालक बालिकाओं को प्रोत्साहित कर कम शुल्क में किया जाना है। खरगोन से ब्यूरो की रिपोर्ट। और मेरे दिमाग में जो बात आई थी कि महिला मंडल का भी जिला अध्यक्ष हो, और इसी आधार पर महिला मंडल का पहला और प्रथम उद्घोष खरगोन जिले से ही हुआ है जिला अध्यक्ष का। उसी के आधार पर प्रांतीय ने जो प्रांतीय अध्यक्ष बनाया, पर जिले में पहले जिला अध्यक्ष घोषणा हो चुकी थी, उसी आधार पर आज आप शपथ लेते हैं। और यह शपथ सत्य है कि जिले की समस्त जितने भी समाज के उन्नति, समाज के हित, समाज के सामूहिक, समाज के परिचय सभी में आप सहयोग प्रदान करेंगे, इसकी शपथ लेते हुए आप सभी अपने जय। महिला मंडल से हमारे वरिष्ठ माया देवी और तिरु देवी, समस्त जिले से पधारी हुई समस्त महिला कैबिनेट एवं माता शक्ति को सत सत नमन। जैसा कि हम जानते हैं कि आज जिला परिषद के इस शपथ विधि समारोह में आप सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, सबसे पहले आप सभी पदाधिकारियों को हृदय से बहुत बहुत बधाई। ये भय गौरवान्वित पल है कि खरगोन जिले में हर मंडल में मकर संक्रांति का पर्व मनाया गया, इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। और एक दुखद पहलू यह भी है कि प्रदेश के ऐसे कई मंडल है जहां पर महिला मंडल को न तो धर्मशाला मिल रही है, न कार्यक्रम करवाने के लिए जगह मिल रही है, और वो अपने मकर संक्रांति का कार्यक्रम गार्डों में और किसी मंदिर में करवाने को मजबूर है। आज प्रदेश की बात हम कर रहे हैं, हमारे खुद घरों को मरम्मत की जरूरत है और हम दूसरों के यहाँ आशियाना बनाने के लिए दौड़ रहे हैं, इससे दुखद पहलू या अपवाद क्या हो सकता है। चूंकि मुझे हाटकेश्वर दर्पण के नाते यहाँ बुलाया है, हाटकेश्वर दर्पण सन 2007 में समाज का एक आमुख पत्र जो प्रकाशित हुआ था, निरंतर 7 वर्षों तक चलते चलते कहीं ना कहीं सामाजिक परिवेश में कुछ परेशानियां आई, अव्यवस्थाएं समाज के ही अपने लोगों से हुई, जिसके कारण इसको विराम देना पड़ा। जनवरी 2023 से आज पुनः इसका प्रकाशन शुरू किया गया है। आप सभी से मेरा निवेदन भी है कि आप अपने इस आमुख पत्र को अपने व्हाट्सएप के माध्यम से, पीडीएफ के माध्यम से प्रत्येक समाज के उस हर व्यक्ति तक निःशुल्क पहुंचेगा, जिसे आप पढ़ें। आप शिक्षा, स्वास्थ्य एवं विभिन्न गतिविधियां जैसे अविवाहित युवक युवतियों के परिचय के संबंधित आप अपनी जानकारियां मेरे व्हाट्सएप नंबर पर पर्सनल दे सकते हैं, फिर फोटो समेत उसे प्रकाशित किया जाएगा। अपने क्षेत्र के जो हमारे सहयोगी प्रतिनिधि है उनको अपने आसपास के समाचार दे सकते हैं, जिसके कारणवश आपकी बात को हम प्रदेश तक पहुंचा सकें। क्योंकि यह अखबार सिर्फ अखबार नहीं है, यह समाचारों का आदान प्रदान करने का एक माध्यम है, जो यहाँ खरगोन जिले से निकलकर दूरगामी मतलब दूर व्यक्ति तक। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।